Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज आप सोच रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है. और हाँ यार, मैं काफ़ी बिजी था जिसकी वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पाया. तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं. तो आज हम जा रहे हैं हेलमेट लेने. एक्चुअली हेलमेट जो मुझे लेना था जब मैंने बाइक परचेस की थी 25 अगस्त को, तो मुझे एक MT का थंडर सीरीज जिसके अंदर डुअल वाइज़र आता है वो मुझे पसंद था रेड ब्लैक में. तो तब से मैं उसको लेने के लिए 2-3 बार रेस डायनेमिक्स और सुपर राइडर लखनऊ जा चुका हूँ, बट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ना ही वेबसाइट पे ऑनलाइन कहीं था स्पार्टन प्रो करके जो गियर है और एक कोई 4 हेलमेट क्या है. मतलब कई जगह मैंने ट्राई किया काफ़ी दिन तक, हर 3-4 दिन पे 6 दिन पे ऑनलाइन किया, यहाँ भी बात किया, बट मुझे नहीं मिला. तो मैं सोचा यार क्या करते हैं, चल के एक बार फिर ट्राई करते हैं और अगर मिल जाएगा वो तो ठीक है, वही परचेस करेंगे. नहीं मिलेगा तो कोई ना कोई ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास रेड ब्लैक हेलमेट नहीं है. और अभी तक जो मैं यूज़ कर रहा था तो एक जीव्स का हेलमेट था अपने पास, निंजा 300 थी, उसके लिए लिया था. तो वो ब्लू और थोड़ा सा रेड और वाइट, स्क्रीन पे हेलमेट आ रहा होगा वो फ़ोटो, तो वो चलाते थे. बट यार कम्बिनेशन नहीं था इसका, मैच नहीं करता था, तो किस तरीके से काम चला लेते थे उससे. बट वो काफ़ी अच्छा हेलमेट था. उसको जो हम लोगों ने परचेज़ किया था 8200 का किया था 2019 में, बट बहुत अच्छा हेलमेट है. और जो मुझे चाहिए, जो मैं लेना चाह रहा हूँ, वो भी स्क्रीन पर आ रहा होगा. ये 2 मॉडल हैं, इसमें से कोई एक मिल जाता बट मिल ही नहीं रहा है. चलते हैं सुपर राइडर, आज कुछ ना कुछ वहाँ से ले कर आएँगे और यार ख़रीद ही लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा. एक बार मैंने ये बाइक चलाई थी, तब मेरा वेट हुआ करता था 45-50 kg. 100 बट 500 की काफ़ी बड़ी लगती थी. चलो फिर पहुँच कर फिर आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा हेलमेट मैं ले रहा हूँ, क्या है क्या. देखोगे रोड में कुछ है नहीं और इतनी ट्रैफिक है कि गाड़ी भगा भी नहीं सकते. और हाँ, मैं एक बात बता दूँ कि लास्ट दिसंबर या स्टार्टिंग जैन में मेरा एग्जॉस्ट आ जाएगा, फिर तो दीपावली मनाएंगे खूब तगड़े से हम लोग, बूम बूम करके. तो अभी पहुंच गए सुपर राइडर और अंदर जाके देखते हैं कि कौन सा हेलमेट मैं लेता हूं. वैसे मुझे पता है क्या लेना है, बट ये भी पता है कि वो मिलने वाला नहीं, तो कोई सा भी जो पसंद आएगा इस बार लेके ही जाऊंगा. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने हेलमेट परचेस कर लिया है MT हमर सीरीज़, और उसका मॉडल जो है वो तो अभी दिखा दूंगा मैं कहीं ना कहीं से, जब मैं घर पे जाके एक बार इसको फिर से देखूंगा. इसी के अंदर मैंने GoPro माउंट सेट करवा लिया है, वो काफ़ी अच्छा था यार, एकदम फिक्स हो गया है और कोई हेलमेट पर कुछ वो भी नहीं लगेगा. ये यही तो मज़ा है यार गाड़ी का. बाकी तो कुछ नहीं है इसमें. कहने को बहुत कुछ है, ना सोचे तो कुछ भी नहीं है. तो हेलमेट मैंने पहन रखा है और GoPro भी इसमें मैंने सेट कर दिया है, माइक भी लगा दिया है, तो
कैसी आवाज़ आ रही है, कैसा एंगल है तो मुझे पता नहीं, वो तो घर जाके ही पता चलेगा, बट थोड़ा सा टाइट है और मेरे चीक्स को प्रेस कर रहा है ये दोनों साइड में, थोड़ा सा चीक्स कम करने पड़ेंगे। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ दिन में इसका जो अंदर का पैडिंग है वो ठीक हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा। बट हेलमेट काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है बाइक के ऊपर, और इतने कम बजट में इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे चाहिए था डुअल वाइज़र बट मिला नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लिया है। जब कुछ दिन में जब डुअल वाइज़र मिल जाएगा तो ये मैं अपनी वाइफ को दे दूँगा और वो डुअल वाइज़र वाला मैं लगाऊँगा, दोनों साथ में चलेंगे। फिर घर जाके एक बार मैं हेलमेट दिखाऊंगा आपको पूरा, कैसा है कैसा नहीं है। और जिसके पास CBR है या कोई रेड कलर की बाइक है तो आई थिंक मेरे हिसाब से MT का हेलमेट, ये जो मॉडल है ये काफ़ी अच्छा है, आप परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 5,250 रुपीज़। और अगर आपको वीडियोस बनानी है, GoPro सेटअप करना है तो ये जो सेटअप इसका है ये लगा लेना, जब चाहिए तब हटा दीजिए जब चाहिए लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। यार जब एग्जॉस्ट होगा तब कितना मजा आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्द। शादी थी यार मेरी इसलिए थोड़ा सा मैं डिले कर गया, वरना अब तक लग जाता, थोड़ा मेरे पास भी टाइम नहीं था लगाने का। इमरजेंसी ब्रेक देखा तुमने, बहुत तगड़ी इमरजेंसी ब्रेक का इंडिकेशन भी आता है इसके अंदर, उसमें देखेंगे तो हम पीछे हो अब चलते हैं घर और दिखाता हूँ कैसा है ये हेलमेट। घर आ गया है मेरे, तो इसको ओपन करता हूँ मैं, बॉक्स का मैंने वहीं फेंक दिया था, क्या मतलब था इसका रखने का। इसकी जो प्राइस है वो बाहर लिखी हुई है 5,250 रुपीज़, 5,250 रुपये का ये है। और ये मैंने इसमें लगवा लिया है माउंट, काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, अब इसकी टेस्टिंग तो बाकी है, करेंगे आराम से। ये है 350 रुपये का, 350 रुपीज़ का, ये दोनों मिला के 5,600 का है। ओपन करता हूँ इसको और फिर देखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये अपनी बाइक है वहाँ पे, और ये बीबी को नया हेलमेट मिल गया, ये भी मिला है मुझे, इसका कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने, फ्री में दिया है। वैसे तो मैंने पहना है, काफ़ी अच्छा है, M साइज है मेरा ये, M। तो हेलमेट के साथ बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये रेड है और ये थोड़ा सा रेड से अलग है थोड़ा सा, तो लेकिन यार इतना मैच मिलने वाला नहीं है यार, बहुत मेहनत किया मैंने, 3 महीने हो गए इसके चक्कर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तो आप क्या एंजॉय करें।